बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू जॉब लेकर आया हूँ जो कि अलाइड बैंक में जॉब आई हुए हैं, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी जॉब आई हुए हैं, कितनी जॉब आई हुए हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना आपने और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। दोस्तों इसमें जॉब आई हुए हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल की बात करें तो प्रोजेक्ट ऑफिसर की जॉब है, और नेक्स्ट जो जॉब आई हुए हैं यहाँ पर देखें दोस्तों आपके सामने फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की जॉब है, और मल्टीपल सिटीज़ हैं यानी कि पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेश वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, और 40 से 45 हज़ार पर मंथ सैलरी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सारी डिटेल मेंशन है, दोनों पर आप जो है फ्रेश वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है और 40 से 45 हज़ार पर मंथ सैलरी होगी। उसके बाद इसकी मज़ीद इंस्ट्रक्शन आपने रीड कर लेनी है, और इनका जो अप्लाई करने का तरीका है दोस्तों वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों जब अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना, और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है। वेबसाइट का नाम है alertjobsnext.com। गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने alertjobsnext.com की जो ओरिजिनल वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जॉब नज़र आएगी, न्यू अलाइड बैंक फोन बैंकिंग ऑफिसर जॉब 2024। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मजीद जॉब नज़र आएंगी, जैसे कि न्यू बैंक ऑफ खैबर बैच ट्रेनिंग ऑफिसर जॉब। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखें दोस्तों आपके सामने न्यू हबीब मेट्रोपोलिटन बैंक फ्रेश ग्रेजुएट जॉब। उसके बाद नेक्स्ट बैंक अल हबीब ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट फैसल बैंक ट्रेनिंग ब्रांच सर्विस ऑफिसर। इसी तरह यहाँ पर आपको NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक BDO की जॉब। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की जॉब नज़र आएंगी, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, और नेक्स्ट यहाँ पर जो है बैंकिंग जॉब, इंटर्नशिप वगैरह, हर किस्म की जॉब यहाँ पर आती रहती हैं, तो आप इजीली अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अलाइड बैंक में फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये एज जॉब नज़र आएंगी, प्रोजेक्ट ऑफिसर और फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इनकी डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों आपके सामने ये डिटेल अवेलेबल है, और यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स इस्लामिक, और नेक्स्ट एज लिमिट देख सकते हैं, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एंट्री लेवल फ्रेश वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा ऐड भी आपके सामने अवेलेबल है, इनकी डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको वो जॉब नज़र आएंगी जो हमने डिस्कस की है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों आपके सामने ये जॉब अवेलेबल है, प्रोजेक्ट ऑफिसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें दोस्तों फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की जॉब, मल्टीपल जॉब हैं, तो आपने एक पर क्लिक करना है जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये जॉब नज़र आएंगी मल्टीपल सिटीज़, और नेक्स्ट यहाँ पर ये सैलरी भी मेंशन है। उसके बाद मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे देख सकते हैं। उसके बाद आपने अप्लाई नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब अप्लाई नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपने जो है अगर पहले से रजिस्टर हैं तो यहाँ पर आप लॉग इन कर लेंगे, अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो नीचे साइन अप का ऑप्शन है, तो आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने फुल नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, रीटाइप ईमेल एड्रेस, और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं पहले से रजिस्टर हूँ इसीलिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, पासवर्ड दूंगा, उसके बाद लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉग इन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। प्रोफाइल कैसे बनानी है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, इसमें आपने फुल नेम अपना देना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हैं या फीमेल। उसके बाद नेशनलिटी बतानी है कि किस कंट्री में रहते हैं। उसके बाद CNSE ID का नंबर, और नेक्स्ट सिटी अपना शहर लिखना है, और नेक्स्ट आपने यहाँ पर एरिया बताना है आपका एरिया कौन सा है, मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद कैरियर लेवल बताना है आपका कैरियर लेवल क्या है, यानी कि अगर आप फ्रेश हैं तो एंट्री लेवल करेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस आपने इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्रेश भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, कितना सैलरी लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है पोस्टल एड्रेस, डाक का एड्रेस देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है ये सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने समरी बतानी है, अगर कोई समरी देना चाहे यहाँ पर कि मैं यहाँ पर जो है जॉब ढूंढ रहा हूँ वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर जो है किसी किस्म की समरी दे सकते हैं, या चैट GPT से भी लिखवा कर यहाँ पर लिख सकते हैं।
पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस अपना ऐड करना है। एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए आप जो है यहाँ पर जॉब टाइटल बताएंगे, कौन सी जॉब करते थे या करते हैं। उसके बाद कंपनी बताएंगे, कौन सी कंपनी में जॉब करते थे, इंडस्ट्री कौन सी थी, डिड यू डायरेक्ट मैनेज टीम, टीम को मैनेज कर सकते हैं नहीं, येस और नो में जवाब देना है। सैलरी बतानी है, कितना सैलरी लेते थे, लोकेशन कौन सी थी, डेट स्टार्ट डेट आपने कब जॉब शुरू की थी, एंड डेट कब ख़त्म की, करंटली वर्किंग ईयर यानी कि अभी भी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर आपने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो, अगर नहीं रखते तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा स्किल का, यहाँ पर बहुत सारी स्किल आएंगी, आप यहाँ पर जो है किसी को ऐड करना चाहें कर सकते हैं, अगर ना आप खुद से कोई स्किल अगर रखते हैं तो ऐड न्यू स्किल पे के ऑप्शन पे आपने लिख देना है जो भी स्किल आपको आती है। एक्सपीरियंस विद दिस स्किल आपने बताना है, इसमें आप बिगिनर इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ पर जो है लिख के आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन का ऑप्शन है, एजुकेशन में आपने सबसे पहले डिग्री चूज़ कर लेना है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी बताएंगे कि किस फील्ड में आपने जो डिग्री की है वो किस फील्ड में है, लोकेशन कौन सी थी, इंस्टीट्यूशन इदारे का नाम बताएंगे जिस इदारे से आपने डिग्री की, कंप्लीशन मेजर बताएंगे कौन से साल आपने जो है कंप्लीट की डिग्री। उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसी तरह आप वन बाई वन जो है हाईएस्ट डिग्री से लेकर जो है मैट्रिक तक आपने यहाँ पर जो है सेव करते जाना है अपनी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखें दोस्तों, मैंने जो है तीन किस्म की जो है डिग्री ऐड की हुई हैं, आप इसी तरह वन बाई वन ऐड करते जाएंगे तो आपकी ऐड होती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जॉब प्रेफरेंस का ऑप्शन है, इसमें आपने जो है सबसे पहले यहाँ पर अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है कि मैं जो है इस फील्ड में जो है ख्वाहिश रखता हूँ, तो यहाँ पर डिज़ायर जॉब टाइटल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं जो भी आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिज़ायर सैलरी बताएंगे, कितना सैलरी लेना चाहते हैं, स्किल बताएंगे कौन स्किल आपको आती है, रिलोकेशन का कह रहा है कि आई एम विलिंग टू रिलोकेट यानी कि आपको कहीं भी बुलाया जाए एनी वेयर इन पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में कहीं भी बुलाया जाए, या फिर आप ओनली नियर कर सकते हैं यानी कि जो भी मेरे नज़दीक शहर हैं वहाँ पर बुलाया जाए, तो तीन शहर आप यहाँ पर नीचे लिख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर किया हुआ है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, अगर कोई नहीं किया तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपने यहाँ पर जो है अपनी जितनी भी आपको लैंग्वेज आती हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो मैंने तीन ऐड की हुई हैं, सरी की उर्दू इंग्लिश, तो आप यहाँ पर जितनी आपको आती हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आपके सामने जो है ये आपने ऐड न्यू लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनसी ऑफ दिस लैंग्वेज जो आप करेंगे, इसमें बिगनर इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपने एक को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी। इसी तरह वन बाई वन जितनी भी लैंग्वेज आती हैं आपने यहाँ पर ऐड करते जाना है। उसके बाद सीवी प्राइवेसी सेटिंग है, इसमें आपने यहाँ पर पब्लिक कर देना है, आपने प्राइवेट नहीं रखना, आपने पब्लिक कर देना है क्योंकि पब्लिक ही आपने जो है अप्लाई करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, जब जो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए तो आपने ये कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर आपसे कहेगा कि आप अपना शहर जो है वो सेलेक्ट कर लें जहाँ पर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिंक्डइन का कह रहा है, अगर लिंक्डइन वेबसाइट पर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आपने वो उसकी जो लिंक है वो पेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है बना हुआ तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नोटिफाई मैन भी मी वैन सिमिलर जॉब आर अवेलेबल यानी कि इस तरह की मजीद जॉब आपको पहुंचते रहें, तो यहां पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, और यहां पर कह रहा है कि डू यू हैव एनी फॉलोइंग स्किल, तो यहां पर आपके पास कोई जो है इनमें से कोई स्किल है तो यहां पर आप इन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पर मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पर आप इसमें बता सकते हैं कि मैं जो है डोंट हैव यानी कि नहीं जानता, बिगिनर है इसमें या इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट, तो आप यहाँ पर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एमएस ऑफिस है, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि डोंट हैव, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या बिगिनर या इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है जो भी सेलेक्ट करना चाहें।
तो उसके बाद नेक्स्ट जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, तो यहाँ पर मैं इसको जो है बिगिनर कर देता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी सेलेक्ट करना चाहें आपको, अगर इनमें से किसी को जानते हैं तो उसमें एक्सपर्ट भी कर सकते हैं कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, आपके सामने योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, तो इस तरह आपके सामने अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो है इस तरह अलाइड बैंक में फ़ोन बैंकिंग की जॉब हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी जॉब की आज की न्यू इन्फॉर्मेशन। मज़ीद जॉब के रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन रोज़ाना डिटेल के साथ पहुँचती रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।